मतलब नॉर्मल बंदा तो जा सकता है ना, वही लोग तो नहीं जा सकते। चल तुझे खिला पिला कर यहाँ पर हम तगड़ा तो कर ही देंगे। शायद वो फाइल ऊपर रखी है भाई इसकी, फाइल उतारने की कोशिश कर रहे क्या लेस्टर भाई? उतर नहीं रही क्या तो? यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग गाइस यहाँ पर बहुत अच्छी होंगे और मज़े कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का यार हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू व्लॉग में। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया था यार, बैनी गया था मेरी गाड़ी के ऊपर पेंट कराने, और जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह थी हमने किया, कार्निवल थी, ह्यूंडई की i20 थी और लैम्बोर्गिनी ओरस थी, और भी एक गाड़ी और थी ह्यूंडई वेन्यू। तो दोस्तों डगन बॉस वहाँ पर आया था जो जिमी का ससुर है भाई, उसी के साथ, और उसने मेरी सारी की सारी गाड़ियाँ तोड़ दी थी। आपने देखा होगा दोस्तों कल वाले फुटेज में, मैंने फुटेज में भी ये जो चीज़ दोस्तों दिखाई थी। फिलहाल माइकल दादा का दिमाग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा भाई। मेरी जो गाड़ी थी दोस्तों वो तो आ चुकी है, AK-47 वो खड़ी है वहाँ पर, ठीक है। बट दोस्तों ये जो दो बंदे हैं ना, अब मैं आपको बताता हूँ, कल जब मैं अपने घर के लिए निकला तो ये जो थे ये दोनों छत पर चढ़े हुए थे। किसकी छत पे चढ़े हुए थे? बैनी की शोरूम की छत पर चढ़े हुए थे। बैनी का जो वर्क प्लेस है, जो वर्कशॉप है, वहाँ पर चढ़े हुए थे। अब फिलहाल भाई मैंने यहाँ पर एक पोल लगवाया, ठीक है, एक कैमरे वाला पोल मैंने यहाँ पर लगवाया, वहाँ पर लगा हुआ था, मैंने यहाँ लगवाया अपने रोबोट्स को बोलकर, कमांड देकर, और इनको भाई यहाँ बांध रखा भाई। अब देखो तुम भाई, ये बंदे जो है ऐसे काम वो आने वाले नहीं है, ठीक है। और ये देखो भूतनी का तेरी ऐसी तैसी, मन तो ऐसा करता है फोड़ डालू इनको, मन तो मेरा ऐसा करता है सारी की सारी गोलियां घुस रही डालू इनके अंदर। बट दोस्तों यार यहाँ पर अब बात ये है कुछ कि मतलब ये जो बंदा है, मैं इनसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनको घर पर भी लेकर आया, मैं उस पहले उस रेड वाले, दोनों थे, मैं उस रेड वाले से पूछ रहा हूँ भाई, उसने मुँह खोला ही नहीं। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें यहाँ पर कैसा है, तुम क्या कर रहे थे, तुम नीचे से मुझे क्यों देख रहे थे, क्या, कुछ नहीं बोला, कुछ भी मार दिया मैंने। अब एक ये अब भैया तो देख मुझे तू बता दे, या फिर बस मौत के घाट उतरने के लिए तैयार हो जा भाई, ऐसे नहीं मारने वाला, पैर फूर पे गोली मार के देखता हूँ। हाँ ये तो बता दे मुझे, ये तो बता दे, मैं पैर फोड़ दूंगा तेरे, पैर फोड़ दूंगा मैं तेरे, तेरी ऐसी तैसी भाई, ऐसे नहीं करेगा। उसको थोड़ा स्टन गन यहाँ पर देनी पड़ेगी मुझे तो, बेसिकली मेरे पास स्टन गन है, लग रहा है ना, लग रहा है ना, हो रहा है करंट, लग रहा है। अरे यार बस छोड़ो, मुझे पिस्टल से काम अपनाना पड़ेगा भाई, देख ले, या तो तू मुझे बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, या फिर अब तेरा खोपड़ा खाली कर दूंगा बस मैं, या तो देख मुझे बता दे, बता दे मुझे वहाँ पर छत पे क्या कर रहा था तू, वरना बस देख ले आज तेरे साथ यहाँ पर क्या कांड हो जाएगा। ये तो बता दे मुझे छत पे क्या कर रहा था तू वहाँ पर, जल्दी बता दे, बता दे जल्दी। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर बंदा थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पर इसने मुंह तो खोला है, खैर जिस चीज़ के ऊपर मुझे शक था यार ये वही था, ठीक है। फिलहाल डगन बॉस ने इन दोनों को छत पर खड़ा कर दिया था, उनको ये पता था कि यहाँ पर माइकल तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो भाई मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो ऊपर खड़े थे, मुझे निगरानी रख रहे थे कि माइकल यहाँ से कहाँ पर जाएगा, किसी से मदद लेने जाएगा क्या। तो डगन बॉस ने इन दोनों को मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था, ठीक है। खैर बंदे को अपनी जान प्यारी थी इसलिए बोल दिया, पर मैं इसको फिर भी नहीं छोड़ूंगा, तेरी ऐसी जैसी भूत निके, रुक जा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तूने जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, तुझे तो मैं सीधा आग ला के मारूंगा तुम दोनों को। अभी रुक जा, गोलियों को तो असर नहीं दोस्तों, आर्मर पहन रखा है डगन बॉस का आर्मर, तुम्हारी तो ऐसी तैसी करूँगा मैं, डगन बॉस ही तेरी, तुझे तो जला के मारूंगा, देख। आई होप सो आग लग जाए, आग नहीं लगती क्या यार? घास में दोस्तों आग भी तो नहीं लगती है, शिट शिट शिट, मैं तो भूल ही गया था, मैं ऐसे तो कर सकता हूँ ना, हाँ ऐसे तो मैं कर ही सकता हूँ, तेरी ऐसी तैसी, पर मेरे यार लॉन में ज़्यादा आग ना लग जाए, अबे भाई इसको कम भी करने, खैर हो जाएगी कम, मेरे रोबोट तक ना कोई, ओ भाई मेरे रोबोट एक ख़राब हो गया, एक रोबोट ख़राब हो गया, सड़ गया, हट जा, ओ भाई दूसरा रोबोट भी खराब। अरे यार दोस्तों, यार गाइस अभी यार बिल्कुल ही यहाँ तक आग लग गई थी, फिर भाई मैंने सब कुछ यहाँ से हटवाया, उन दोनों बंदों की जो डेड बॉडी थी तो उनको भाई वहाँ पर भुजवाया, और दो ये बॉडीगार्ड जो आगे वाले देख रहे हो ना, दोनों को रिप्लेस करवाया भाई, अभी जल गए थे भाई साहब।
वो पोल भी हटवा दिया मैंने, पोल तो एक्सटर्नल यहाँ पर लगवाया था ना मैंने ऐसे ही। तो चलो दोस्तों अब चल रहे हैं यार, लोकेशन वगैरह के तो हिसाब से डगन बॉस का घर दोस्तों वही है जो कि हमने देखा था, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैं जो जा रहा हूँ दोस्तों लेस्टर के पास, और लेस्टर से ही मुझे इस टाइम जो है मदद लेनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो भाई मेरी मदद कर सकता है, फ़िलहाल तो ऐसा कोई भी नहीं है भाई लेस्टर के अलावा, और दोस्तों मैं किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता, और कोई है भी नहीं ऐसा। चलो अपना आराम आराम से हम गाड़ी को निकालते हैं। लेस्टर के अलावा दोस्तों कोई है भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई कोई भी जिसके ऊपर हम मदद के लिए भरोसा कर सकते हैं इस टाइम। इस वक्त तो भाई किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते, सारे के सारे भाई मुझे तो ऐसा लगता है ना डगन बॉस के और जिमी का जो पुराना ससुर था ना भाई उसके साथ ही मिले हुए हैं सारे के सारे लोग, बाग जितने भी है ना तो भाई सब उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। बाकी अभी फ़िलहाल तो दोस्तों कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है ना, जब तक हम किसी नतीजे पर ना पहुँच जाएँ तब तक दोस्तों हम यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं यार, अरे आराम से सर जी, ओके मेरी गाड़ी निकल जाएगी, निकल गई निकल गई निकल गई, चलो बहुत प्यार प्यार से। चलिए दोस्तों फटाफट हम जो है यहाँ पर सीधा लेस्टर के घर पहुँचते हैं फिर। ऑलराइट गाइस हम पहुँचने वाले हैं लेस्टर के घर। हाँ भे भूतनी को ओ भाई क्या हो गया, क्या हुआ यार, आज तो मेरा हंसी मूड खराब है, ऊपर से ये लोग आ गए मेरी भूतनी को, आज लड़ोगे तुम्हारी ऐसी तैसी लड़ लो, आज तो सुबह से मेरा पहले ही मूड खराब है, अब तुम लोग मिल गए। अच्छा ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी भैंस की पूंछ, पहले ही सुबह से मेरा मूड खराब है आज, मेरी पहले ही सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पर ब्लास्ट हो गई और डगन बॉस की ऐसी तैसी, ऊपर से तुम लोग आ गए फाइट्स लोगे। माइकल को देखा नहीं भाई, आपको दोस्तों पता होगा एक बार मैं रोल्स रॉयस में यहाँ पर आया था तो मैं इनके बंदे यहाँ पर पुशअप कर रहे थे, मैंने उन्हें मार दिया था, तो तब से मुझे अगर इसी इलाके में देखते हैं ना पीछे पड़ जाते हैं यार मेरे, तुम्हारी ऐसी। अबे भाई रुक जा हट तेरी, ये जब भी मुझे देखता है ना इनका यही इलाका होगा, तेरी ऐसी तैसी चल तेरी ऐसी तैसी भूतने का। हाँ नहीं तो दोस्तों यार इनका यही इलाका होगा यार, जब भी मुझे इस वाले इलाके में देखते हो ना एकदम भाई मेरे पीछे पड़ जाता है यहाँ पर। हाँ नहीं तो क्यों देखो माइकल मारता है, माइकल माइकल माइकल, भाई माइकल ही तो है यार, बंदे पीछे पड़ने का क्या मतलब पैदा होता है भाई, अपना सीधा चले जाओ तुम लोग। हाँ नहीं तो चलो चलो गाइज हम चलते हैं, फाइनली हम यहाँ पर तो पहुँच गए हैं लेस्टर के घर। बाकी यार ये बंदों को सुधारना पड़ेगा यार, ये गैंग वाले, मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ दी फालतू में, अच्छी खासी में जा रहा था, दोबारा मुझे बैनी के पास ही लेकर जानी पड़ेगी अपनी गाड़ी। खैर कोई बात नहीं, हम लेस्टर के पास आ गए हैं। चलो यार वैसे भी यार ये वाला रोड चलता नहीं है, तो मैंने बीच में भी अगर गाड़ी खड़ी कर दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे अपना सूट वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर पानी से साफ़ कर लूँगा, बस क्या ही बोलूँ यार मैं। चलो लेस्टर कहाँ है दोस्तों लेस्टर, ओके शायद यहाँ पर कुछ कर रहा है लेस्टर, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, शायद वो फाइल ऊपर रखी है भाई इसकी, ये फाइल उतारने की कोशिश कर रहा है क्या लेस्टर, भाई उतर नहीं रही क्या तुझसे, ला मैं उतारूँ भाई, लेस्टर के हाथ नहीं पहुँच रहे भाई, तू लंबा नहीं है लेस्टर इतना, मेरे तो बाएँ हाथ का खेल है लेस्टर, चल हट जा मैं उतार के देता। ऑलराइट गाइज यहाँ पर भाई जो फाइल वगैरह एक ऐसी थी लेस्टर को पता ही था यहाँ पर भाई माइकल आने वाला है, तो इसके अंदर इसके पुराने हैकिंग सॉफ्टवेयर के कुछ कोडिंग वगैरह लिखी हुई थी, तो लेस्टर भाई वो यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह कर रहा था। फिलहाल भाई लेस्टर ने भी यही बोला है मेरे को कि जो डगन बॉस है बस उसको यहाँ पर मौत के घाट ही उतारना सही है, माइकल को भाई इसने बोल दिया है, और वो जो जिमी का ससुर है दोनों को अगर हमने एक को भी जिंदा छोड़ दिया ना तो भाई बस तुम्हें पता है फिर यहाँ पर एकदम खेल खत्म हो जाएगा हमारे लेस्टर का भाई कहना है। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो दोस्तों हमें एक स्ट्रैटेजी बिठाकर एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी, अगर हम ऐसे ही हवा हवाबाजी में मारेंगे ना तो भाई फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लेस्टर भाई यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है और मैं लेस्टर की बात दोस्तों यहाँ पर मानता भी हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा लेस्टर ने मुझे बोला है कि जो डगन बॉस है उसको टाइगर्स वगैरह का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक है, तो क्यों ना हम एक फेक डीलर बन जाते हैं जो कि टाइगर वगैरह को यहाँ पर हम सप्लाई वगैरह करेंगे, और डगन बॉस को देने के बहाने अगर हम डिलीवर करने के बहाने उसके घर में किसी तरीके से पहुँच जाते हैं और वहीं पर अगर गोली बारूद भी करते हैं तो वो बिल्कुल रेडी तो होगा नहीं अपने बंदों को बुलाकर, और हम वहीं पर उसका भाई खेल तमाम कर सकते हैं। भाई देखो मुझे लेस्टर का दोस्तों ये प्लान ना बहुत ज़्यादा कमाल का लगा है। हाल फिलहाल आप सभी लोगों का क्या कहना है इस बारे में एक बार प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर से बताएगा, ठीक है।
खैर कोई बात नहीं, लेस्टर एक लोकेशन जानता है जहाँ से हम एक टाइगर को जो कि यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सस्ते प्राइस में। अब इसको पता है भाई लेस्टर को एक ऐसी लोकेशन हमें कहाँ पर मिलने वाली है। फिलहाल मैं लेस्टर के साथ उसी लोकेशन पर दोस्तों जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास में, और वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चल जाएगा टाइगर की क्या प्राइसिंग वगैरह, हम उसको खरीद के पहले अपने पास रख लेंगे, फिर हम एक फेक डीलर बन के डगन बॉस से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खैर भाई इस चीज़ में काफ़ी ज्यादा मजा आने वाला है, आप सभी लोगों का क्या कहना है, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक है नहीं, एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। पहले तो दोस्तों मैंने लेस्टर का वॉशरूम यूज करके यहाँ पर जो मेरे कपड़ों के ऊपर जो खून के दाग वगैरह लगे थे, भी फाइट वगैरह हो गई थी, तो वो मैंने साफ कर ली, क्योंकि वो जो वहां पर अगर लोग बाग देख ले तो भाई क्या ही होगा, ठीक है। फिलहाल हम दोस्तों ब्लैक मार्केट जा रहे हैं। अब लेस्टर का कहना है ब्लैक मार्केट में ही जो टाइगर वगैरह वो जो है हमें वहीं पर भाई जो है मिल सकता है, तो मैंने कहा ठीक है भाई वहीं ब्लैक मार्केट ही चल लेते हैं। तो भाई आ जाओ बैठो लेस्टर भैया, अपनी गाड़ी थोड़ी सी ऐसी हो गई, पर गाड़ी को इग्नोर करना मेरे भाई, तू चला जा गाड़ी के अंदर, तो भाई थोड़ा सा ऐसा इशू है ब्रो, ये चीज़ भी ठीक होने वाली है। तो गाइस फिलहाल हम लेस्टर के घर से, ये कोई लोकेशन है आगे को आकर एक दो गली छोड़कर, तो यहाँ पर इसके लेस्टर के जानने वाले हैं। इन्होंने लेस्टर ने इससे एक ट्रक लिया है ये वाला, और हमने गाड़ी भाई उन्हीं के पास खड़ी कर दी है, तो लेस्टर ने ट्रक इसलिए लिया क्योंकि हम उसको भाई इसी के ऊपर रख कर लाएंगे, ठीक है। पीछे से लेस्टर उसका ध्यान रखेगा क्योंकि गाड़ी में तो हमारे रखने की जगह थी। जैसे मैंने लेस्टर से पूछा, मैंने कहा भाई कैसे लेकर जाना है, तो लेस्टर कह रहा है इसके ऊपर लेकर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी अच्छी चीज़ है, चलो एकदम। तो कुछ ज़्यादा बड़ा है बस ये थोड़ा सा, अरे हट जाओ यार, हट जाओ, मैं देखूँगा नहीं फिर भाई किसी को कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा अभी। तो दोस्तों फिलहाल अब हमें यहाँ से जो है मेन जो पुल है, इस दोस्तों पुल को क्रॉस करना पड़ेगा। पुल को क्रॉस करने के बाद ब्लैक मार्केट वहाँ नीचे को जाकर लगती है, लेस्टर का ये कहना है, ठीक है चलो चलते हैं। ओ भाई साहब क्या चल रही है दोस्तों, ट्रक सही चल रहा है भाई वैसे तो बढ़िया, पर इस, अरे आराम से, हाँ आराम से चल रहा हूँ भाई, लेस्टर आराम से रही भाई, लेस्टर टाइट से पकड़ के खड़ा है, पर क्या यार भाई गिर ना जाए वो, इसलिए मुझे आराम आराम से चलाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार प्यार से, ज़्यादा जल्दबाजी करूँ हम तो भाई कभी गिर गुर गया तो मेरे सिर पर पड़ जाएगा कि भाई लेस्टर गिर गया, बुड्ढे की पहले यहाँ पर टांग एक दो ही है। चलो तो गाइस हमें यहाँ से आगे जो टर्न आने वाला है, हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है, और राइट वाले टर्न से हम सीधा इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है चलिए। सो गाइस वी आर हियर, अरे हट जाओ सर ना, हाँ नहीं तो ट्रक को फुली मॉडिफाइड करा रखा भाई इन लोगों ने, जिनका भी ट्रक है। ऑल राइट, तो ब्लैक मार्केट ब्लैक मार्केट ब्लैक मार्केट अगले वाले उसमें लगती है मेरे ख्याल से, है लेस्टर ये लगती है यहीं पर है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, हमें अपना ट्रक को जो है यहाँ पर अच्छे से लगा देना चाहिए। आ जा भाई लेस्टर, आ जा। तो गाइस जहर इज़ द ब्लैक मार्केट, लॉस सैंटोस की ब्लैक मार्केट भाई यहाँ पर, पेस्ट कंट्रोल लॉस सैंटोस में चलती है। अरे भाई कहाँ अटक रहा था मैं भी, चलो आ जाओ। नो ट्रांसपेरेंसी भाई, मतलब नॉर्मल बंदा तो जा सकता है ना, वो वही लोग तो नहीं जा सकते। फिलहाल गाइस हम जो है अंदर आ चुके हैं, और राइट यहाँ पर टीवी मोबाइल्स वगैरह पक है भाई, बंदर भी है यहाँ पर, तो गाड़ियों वाड़ियों का सामान भी मिलता है, और दवाइयाँ वगैरह मुर्गा वर्गा भी है, ये रहा ये रहा ये रहा। और राइट दोस्तों, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, तो गाइस हमें इन चाचा जी से बात करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। इनके पास और भी हैं क्या? ना ना ना, एक ही है दोस्तों, एक ही है, और इसी के अंदर इस टाइगर को दोस्तों रख रखा है। तो भाई ये जो चाचा जी हैं भाई, ये बेच रहे हैं भाई, इनकी आँख तो देख लो, चाचा जी की आँख देखो भाई कैसी है, ओ भाई साहब एक नंबर। चलो तो दोस्तों चाचा जी से बात करते हैं, इसकी प्राइसिंग वगैरह यहाँ पर क्या होने वाली है। अरे चलिए चाचा, हमें पता है आप इतना महंगा लेकर आए, बट थोड़ी बहुत ही तो होती रहती है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जो टाइगर हमने परचेज कर लिया है चाचा जी से, और भाई टाइगर की यहाँ पर कीमत भाई ये बोल रहे थे ऐसे तो 3 मिलियन का, 3 मिलियन का वो माउंटेन लॉयन, 3 मिलियन कह रहा पकड़ कर ला कर दिखा दो, 3 मिलियन लूँगा। तो फिर भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ कह सुन के भाई 2.5 मिलियन का हमने लिया है, और हम यहाँ पर डगन बॉस को बेचेंगे सिर्फ और सिर्फ 50 लाख में उसके घर में एंट्री लेने के लिए। तो एकदम
वो बंदा एंट्री देगा 50 लाख में, नहीं सॉरी 5 लाख में, क्योंकि हाँ 1 मिलियन 2.5 मिलियन 25 लाख का तो हमने ख़रीदा ही है, ठीक है। नॉर्मली ये 3-4 मिलियन का ही मिलता है दोस्तों, उससे कम का मिलता भी नहीं है, ये बंदा भी कह रहा है। बाकी यहाँ पर भाई सारा का सारा सामान, जितना भी लीगल सामान होता है ना दोस्तों, सारा का सारा मिल रहा है। आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़, सोने से लेकर सोने चांदी की हर चीज़ दोस्तों यहाँ पर मिल रही है, हर चीज़ ही तो मिल रही है दोस्तों, हर चीज़। खैर बाकी कोई बात नहीं, गाड़ियों का भी सारा का सारा सामान मिल रहा है भाई यहाँ पर। आजा चल काम करने दे इनको भी, लेस्टर आ जा चलते हैं हम। तो बस फिलहाल लेस्टर की दोस्तों कमर में यहाँ पर अभी थोड़ा सा, पहले तो वो हो गया था, झटके से आ गए थे, पर अब ठीक हो चुकी है। तो बस फाइनली माउंटेन लॉयन को जो इसके ऊपर रख दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, पिंजरे में रखा है भाई, ये नहीं रखा, बैठा है ये भी, देख रहे हो अंदर बैठा है दोस्तों भी, ये बैठा है अंदर माउंटेन लॉयन। चलो सही है, लेसर तो पीछे ही खड़ा हो इसके पास, ये आगे बैठ जा, तेरी मर्जी है, या पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा वैसे तो। भाई लेसर देखता रहियो अच्छे से इसको भी, भाई लेसर देखेगा माउंटेन लॉयन को, भाई साहब दोस्तों इसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। खैर अब तो दोस्तों ले लिया है, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही, मतलब ऐसा है कि बोलता बालता नहीं, पला हुआ है, पला हुआ माउंटेन लॉयन है भाई ये, बिना पला हुआ नहीं है। बाकी हमें यहाँ पर पुलिस से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, पुलिस ना देख ले, क्योंकि भाई ये माउंटेन लॉयन और ये जितने भी जानवर वगैरह का दोस्तों रखना ना, सबका सब इलीगल है, कोई भी यहाँ पर लीगल चीज़ें नहीं है, ठीक है, सबका सब दोस्तों यहाँ पर इलीगली चलता है पूरा का पूरा काम। तो इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा बच कर चलना पड़ेगा, बच कर निकलते हैं और इसे किसी सुरक्षित लोकेशन पर दोस्तों लेकर चलते हैं। और मेरी नज़रों में एक सुरक्षित लोकेशन है, जो कि दोस्तों जिसके बारे में पुलिस को क्या भाई, किसी को भी नहीं पता चल सकता, किसी को भी नहीं पता चलेगा, और वो भाई बिल्कुल पास में भी है। मैं दोस्तों जाने वाला हूँ अपनी सीक्रेट लोकेशन के ऊपर, आपको पता होगा जो हमारी सीक्रेट लोकेशन है दोस्तों, मैं वहीं पर जाऊँगा और उसका रास्ता भी इधर से होते हुए जाता है, ठीक है, वहीं पर इसको भाई रखना बिल्कुल सही रहेगा। मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ और वहाँ पर रखूँ भाई, वो कोई ज़्यादा सही चीज़ नहीं है, ठीक है। इस माउंटेन लॉयन को भाई यहीं पर रखते हैं और बिल्कुल सही रहेगा। बाकी दोस्तों अपनी लोकेशन पर तो आ गए हैं, क्या बात है, देख रहे हो, बस एक बार अपना ट्रक भी अंदर चला जाए, चला ही जाएगा मेरे ख्याल से, तो इतनी तो बड़ी है अपनी टनल, नहीं है भाई नहीं है, पीछे वाला हिस्सा भी अगर इसका ट्रक का चला जाए, शिट यार ट्रक, अबे हाँ पत्थर गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं ज़रा ट्रक को दोस्तों बैक ले जाने की कोशिश करता हूँ, फ्रंट तो देखो जाएगा नहीं है, चलो हमें सिर्फ इसको अंदर करना है ना, चलो हाँ चल जितना भी गया है यहाँ से निकालते हैं। आजा लेस्टर, मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, और इस पिंजरे को दोस्तों यहाँ से उठवाते हैं, और पिंजरे को उठवाने के बाद ना मुझे वहाँ पर पीछे ही रखवाना पड़ेगा इस पिंजरे को, भाई कैसे बैठा है। हाँ लेस्टर यार तू बोल तो ठीक रहा है, गाइस यार यहाँ पर जो माउंटेन लॉयन है ना भाई, ये चलने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए पिंजरा ना बहुत छोटा सा है दोस्तों, बट खैर कोई बात नहीं मेरे भाई, फिलहाल तुझे खिला पिला कर यहाँ पर हम तगड़ा तो कर ही देंगे भाई साहब। मैं सोच रहा हूँ इसको पेंट करा दूँगी इसके ऊपर, खैर पेंट कराना दोस्तों उतना ज़्यादा यहाँ पर ना एकदम प्रोफेशनल वाली जो चीज़ है ना भाई वो नहीं लगेगी, और डगन बॉस को हम यही देंगे भाई, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं डगन बॉस की देने के बाद। आजा चला है भाई लेस्टर चलते हैं। बाकी दोस्तों सीक्रेट लोकेशन पर अपनी इस वाली लोकेशन पर इस भाई, इसके बारे में तो दोस्तों यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलने वाला है, एकदम सीक्रेट लोकेशन है भाई यहाँ पर। आजा लेस्टर जल्दी आ भाग के, मैं ट्रक में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, भाग के आजा जल्दी से, हाँ नहीं तो जल्दी आ वरना फंस जाता तो इसके अंदर ही, और ये सिर्फ मेरे कहने से ही खुलती है, खुल जा सिम सिम। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपना इसको तो रख दिया भाई, ठीक है, और ये सही भी दोस्तों मैंने यहाँ पर करा। आजा भाई लेस्टर देख कहाँ से भाग के आ रहा है भाई साहब, हाँ और दूर से भाग के आ जाता ना, और दूर से भाग कर आ जाता भाई। दोस्तों सीक्रेट लोकेशन लेकर हमने बिल्कुल यहाँ पर ठीक किया था नहीं किया था, आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बता देना, ठीक है चलो आराम से, चलो बढ़िया। ओ भाई चलो अब फटाफट दोस्तों निकलते हैं, क्या बात है ट्रक चल रहा है दोस्तों अपना एक नंबर, चलो बढ़िया भाई। चलो दोस्तों ट्रक को खड़ा करते हैं दोस्तों यहाँ पर, इस लोकेशन से हम उठा कर लेकर गए थे, इसे तो उठाया था मैंने ट्रक को, मेरी गाड़ी कहाँ उठा कर ले गया भाई, वो शायद अंदर ही खड़ी है। चलो आ जाओ, आ जा भाई लेस्टर,
तूने बहुत आज यहाँ पर हबड़दबड़ी करवा ली। आ जाते हैं दोस्तों यार यहाँ से। एंड गाइज फिलहाल अभी है ना हमें ना एक लोकेशन ढूंढनी है, हमें एक टेलीफोन बूथ ढूंढना है, बेसिकली फ़ोन करना है डगन बॉस को। चलो फ़ोन करते हैं सबसे पहले, तो फ़ोन 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 करना है पहले। तो गाइज हमारे पास टाइगर आ चुका है, हम यहाँ पर अब लेस्टर एक फेक डीलर बनेगा और डगन बॉस को फ़ोन करेगा कि सर आप यहाँ पर एक टाइगर ढूंढ रहे हो तो मेरे पास आपके लिए एक टाइगर है जो कि मैं आपको इतने में प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं आपका फ़ैन वगैरह हूँ, आप यहाँ कितने बड़े बिजनेसमैन हो ये जो भी है, ठीक है, इतने बड़े गैंगस्टर हो जो भी है, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसलिए मैं आपको इतने सस्ते में दे रहा हूँ, वैसे भी मैं पकड़ के ही तो लाया हूँ। ऐसी ऐसी बातें करेंगे दोस्तों और डगन बॉस को अपने जाल में फंसाते हैं। मेरे ख्याल से इधर से इधर ही है वो, इधर ही है, आ जाओ। आ जा भाई लेस्टर, क्योंकि दोस्तों हम अपने नंबर से तो कर नहीं सकते। ओके अबे यार चल लेस्टर तू पब्लिक फ़ोन से, दोस्तों पब्लिक फ़ोन से उसके बाद फ़ोन करेंगे, इतने में से पूछता हूँ। हाँ भाई क्या हो गया छोरे? तो चलो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये तो बेवकूफ़ लोग बोलते रहते हैं, मैं डगन बॉस का दोस्तों नंबर मिलाता हूँ जल्दी से। हाँ हाँ लेस्टर तू बात मत कर उससे, हाँ ठीक है सही है। तो गाइज हमारी यहाँ पर डगन बॉस से बात हो चुकी है, फिलहाल मैंने इसे ये बोला कि बात मत कर उससे, ट्रैवर से बात करने की कोशिश कर रहा था, इसने सोचा कि मैं ट्रैवर से बोल लेते हैं, इस वाले प्लान में उसको भी शामिल कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं भाई रहने, जितने लोगों को यहाँ पर वो शामिल करेंगे ना भाई उतनी ज़्यादा यहाँ पर भसूड़ी पड़ती है, डालना भी नहीं है। अबे यार ये कितना बोल रहा है, चल भाई चल निकल 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 निकल, तेरी भूतनी कैसी तैसी पब्लिक में, वैसे मैं मारने नहीं चाहता। तो गाइस फिलहाल यार लेस्टर यहाँ पर एक गहरी सोच में है, लेस्टर सोच रहा है कि क्या हमें यहाँ पर मतलब ये जितने भी काम वगैरह हैं दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत विक्कत तो आने नहीं वाली है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा डगन बॉस के घर पर जाकर। तो गाइस यहाँ पर बात ये हुई है, जब इसने डगन बॉस को फ़ोन किया तो इसने थोड़ी अपनी आवाज़ को मोटी कर बात करी, और वैसे भी पतली कर भी बात करता, डगन बॉस लेस्टर को जानता भी नहीं है वो कैसे यहाँ पर क्या करता। तो लेस्टर ने सारी की सारी बात उसे बोल दी, उसने कहा ये तो बहुत खूब है, आ जाओ हमारे बंगले पर और हम तुम्हें इतना इतना इनाम भी देंगे, प्लस पता नहीं क्या खा तिरदारे भी आपकी करेंगे, कुछ टाइगर को लेकर आ जाओ मेरे बंदे, तुम्हें जिस लोकेशन पर तुम बुलाओगे उसी लोकेशन पर मेरे बंदे तुम्हें मिलेंगे, बाकी कोई बात नहीं। हमने उन्हें कल का टाइम दिया, हमने कहा कल इतने बजे हम तुम्हें रॉकफोर्ड हिल्स के आसपास मिलेंगे, वैन के अंदर उसको लेकर आप अपने बंदे वहीं से भेज देना, वो हमें ले जाएंगे आपके बंगले तक, हमें आपका बंगला नहीं पता है, हमने तो न्यूज़पेपर में देखा था ऐड इलीगल वाले में, ऐसे ऐसे बोल दिया तो भाई वो ना एकदम चढ़ गया। ठीक है बाकी कोई नहीं दोस्तों, अभी तो डगन बॉस की ऐसी तैसी करनी है, ठीक है, और ये प्लान कैसा चल रहा है आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताएगा। इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही मैं करूँगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लास्ट में मेरे भाई टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड ऑब्वियसली शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे भी से नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।